हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक छोटा सा वीडियो। इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, ये छोटा सा एक ऐसे लेस लगाने का वीडियो है। जैसे चुन्नी के ऊपर हम लेस लगाते हैं, ये दुपट्टा है नॉर्मल सिंपल वाला, इसके ऊपर हल्का वर्क है गोल्डन कलर का और हमने इसके ऊपर गोल्डन कलर की लेस लगानी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है लेडीज को कि जब हम लेस लगाते हैं तो हम ऐसे रखते हैं सीधा और इसी तरह हम इसे अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ये कपड़ा है ये हमारा नज़र आता है। तो अगर हम इसे बिल्कुल बाहर की तरफ लगाते हैं तो ये हमारा जो गोटा है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगे, ऐसा होना चाहिए कि गोटा भी बराबर आए और ये कपड़ा भी बराबर आए। और जो कॉर्नर्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कॉर्नर्स बनाने की। जब हम इस तरह कॉर्नर बनाते हैं तो ये वाली बड़ी दिक्कत है लोगों को, कह रहे हैं कि ये कॉर्नर हमारा सही नहीं बैठता है। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ जिसमें ये कॉर्नर्स भी आपको बहुत क्लियर निकलेंगे और जो लेस है वो भी बहुत अच्छी तरह लग जाएगी। अब हम इसे पहले दुपट्टे को खोल लेते हैं और इसका कोई भी एक किनारा अपनी साइड रखेंगे। अब हमने क्या करना है, दुपट्टे की जो उल्टी साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और जो सीधी साइड है वो नीचे रखनी है। मतलब अपनी साइड में हमने उल्टा हिस्सा रखना है और सीधी साइड हमारी नीचे होनी चाहिए। जैसे ये कढ़ाई है हमारी, ये नीचे है और ये उल्टा वाला देखिए ऊपर की तरफ है। तो अब हम लेस लेते हैं। लेस का भी हमने यहाँ पे उल्टा हिस्सा लेना है, मतलब सीधा नहीं लेना, उल्टे हिस्से से ही लेस लगाना शुरू करेंगे। लेस की उल्टी तरफ हम ले लेते हैं। जैसे ये देखिए लेस है मेरे पास, ये साइड सीधी है और ये साइड उल्टी है। अब हम उल्टी तरफ से इस तरह रखेंगे इसे, इस तरह किसी भी एक कॉर्नर से शुरू कर लेते हैं। थोड़ी सी लेस को बढ़ा के रख लेंगे, अगर कटिंग वटिंग करनी होगी तो यहाँ से कर देंगे थोड़ी सी। अब हम लेस को बिल्कुल किनारे पे रखेंगे। अब हमने यहाँ पे सीम अलाउंस बिल्कुल पॉइंट का रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आपका गोटा दब जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब चौड़ाई कम रह जाएगी। अब हम बिल्कुल किनारे किनारे पे और कपड़े को दोनों चीज़ों को बराबर रख के एक सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर कपड़ा आपका थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा चुन्नी का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हमने सेट कर देना है बाद में। तो आप सोचोगे ये उल्टी साइड क्यों लगा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, बस जब मैं इसको टर्न करूंगी। तो जो बुटीक से चुन्नियाँ तैयार होती हैं और जो रेडीमेड सूटों के साथ चुन्नियाँ मिलती हैं उनमें इसी स्टाइल से गोटा लगा होता है। इसकी मैं पूरी सीधी सिलाई लगाकर कॉर्नर पे आपको दिखाऊंगी, कॉर्नर तक आते हैं। अब देखिए ये कॉर्नर आ गया है, अब हमने क्या करना है, एंड तक यहाँ पे सिलाई लेके आते हैं। बस जहाँ पे सीम अलाउंस खत्म हो जाए वहाँ पे हमने इसे इस तरह मोड़ लेना है। यहाँ पे कोई भी हमने कर्व नहीं देना है किसी भी तरह का लेस में, बस इस तरह हम इसे सिलते जाएंगे। आप इस साइड चुन्नी को थोड़ा सा, दुपट्टे को थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हो, वो दब जाएगा बाद में। एक कॉर्नर में आपको और दिखा देती हूँ, फिर पूरा दुपट्टा आपको पलटी करने के टाइम दिखाऊंगी। अब ये देखिए ये फिर से कॉर्नर आ गया है। आप फिर सीम अलाउंस तक लेके आते हैं और फिर दूसरी साइड इसको इसी तरह घुमा लेंगे। तो लीजिए इसी तरह हमने पहले पूरे दुपट्टे में लेस घुमानी है, फिर मैं आपको इसको टर्न करने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए इसके एंड पे आ गए हैं, तो ये गोटा हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा था, इसे हम कट कर देते हैं। ये मैंने इस तरह कट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इस गोटे को इसके ऊपर से सिल देंगे इस तरह, और थोड़ा सा इसे इस तरह बढ़ाकर कट कर देते हैं। अब हमने इस वाले गोटे को अब फोल्ड करना है अंदर की तरफ। अब इसे इस तरह कॉर्नर बनाकर इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पे कॉर्नर बनेगा इसका, वो अपने आप ही बन जाएगा जब हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इस लेस को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह अंदर की तरफ डाल देंगे इसे। और अब ये देखिए यहाँ पे अब हमने लेस को अच्छी तरह दबाकर एक किनारे से इसको सिलना शुरू करना है, बिल्कुल एंड पे, एंड वाले हिस्से से शुरू करते हैं इस तरह। अब कपड़ा है जो वो सारा चुन्नी वाला अंदर जाएगा और लेस हमारी ऊपर से दब जाएगी।
यहाँ पे बखिया है जो वो आप मोटा रखें, यहाँ पे बारीक बखिए की कोई जरूरत नहीं है। मोटे बखिए से इसे आपने अंदर की तरफ मोड़ देना है और बाद में हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब पहले इसे कंप्लीट करेंगे पूरी चुन्नी को, कॉर्नर तक लेके आती हूँ फिर आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर आ गया है दूसरी साइड। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके कॉर्नर पे इस तरह लेस लगाई थी। अब इस कॉर्नर को अब इस तरह अंदर की तरफ डाल देंगे और लेस को अब हमें इस तरह पलटी करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये अपने आप ही बन गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेस को पलटी किया और इस तरह इधर से पलटी किया और ये कॉर्नर है जो वो अपने आप ही बन गया। जब हम इसे सेट करेंगे तो यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये कॉर्नर देखिए बिना मेहनत के ये अपने आप ही बन गए हैं। अब पूरी चुन्नी में पूरे दुपट्टे में हम इसी तरह पहले एक सिलाई लगा लेते हैं साइड में, फिर दिखाऊंगी आपको। अब देखिए पूरी चुन्नी में मैंने इस तरह लेस लगा दी है, साइडों में सिलाई लगा दी है। अब हम इसके कॉर्नर्स सेट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो कर्व्स हैं इनको हमने सिलना है। ये इस पे थोड़े पॉल्स वगैरह हैं तो इस पे थोड़ी सुई रुक रही है। अगर आपके यहाँ पे पर्ल्स नहीं है तो इजीली सिलाई लग जाती है। यहाँ पे आपने नीचे दुपट्टे का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई झोल नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर आ गया है, ठीक है। अब हमने इसे इस तरह दबाना है और ये अपने आप ही कॉर्नर बन जाएगा। और यहाँ पे लेके आके पीछे की तरफ सिलाई लगानी है, सिलाई को फिर आगे की तरफ लेके जाना है। सेम इसी तरह हमने चारों कॉर्नर अपने बना देने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई से ये कॉर्नर बन गया है। इसी तरह सारे बन जाएंगे चारों के चारों, और पूरे बनाकर आपको एक बार चुन्नी रेडी करके दिखाती हूँ। अब लीजिए चुन्नी पे मैंने पूरी पे लेस लगा दी है और इसके कर्व्स भी बिल्कुल क्लियर आ गए हैं और यहाँ पे कॉर्नर्स बहुत अच्छे बने हैं। इसी तरह आप दुपट्टे पे लेस लगाएं तो बहुत आसानी से लग जाएगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। इसकी जो चढ़ाई है पट्टी की वो कम या ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड बाय।